मैं भी हो चुका हूँ तैयार हो चुकी और कन्नू भी हो चुके हैं, तो सारे लोग तैयार हो चुके हैं, पर आ कौन रहा है मुझे अभी तक ये नहीं पता गाइस। अभी देखते हैं कौन आ रहा है गाइस। ऐसा गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और मैं अभी कर रहा हूँ अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट। तो गाइस मैं आया था अपनी छत में और यहाँ डब्बू सो रहा है, तो ये चने सुखाने आया था इनको। तो अभी नीचे सब लोग काम कर रहे हैं, आज कोई मेहमान आने वाले हैं घर में, तो मुझे पता नहीं है कौन आने वाले हैं। तो नीचे सब लोग सफाई कर रहे हैं, बाबू भी नीचे हैं, मंजरी लोग सब। आज संडे है तो आज सब घर में ही है और ईशु स्टेडियम गई है। तो गाइस ये सब्जी वब्जी काटते हैं, तो तब तक मैं दुकान से चावल और वो लेके आता हूँ। हाँ लेके आता हूँ चावल दुकान से लेके आने मेहमानों के लिए, लंबे वाले चावल। हम तो नॉर्मल वाले खाते हैं, कंट्रोल वाले, तो मेहमानों के लिए बनाने पड़ते हैं लंबे वाले। क्या बन रहा है खाना? और यहाँ ये लोग सब्जी वब्जी काटते हैं। मानसी कन्नू आ गई, अपना काम तो कर दिया मैंने, पनीर वनीर काट दिया और उसमें ये डाल दिया है। अब मेरा काम हो चुका है यहाँ का। क्या काटती है, कहे के लिए काटती है? ड्यूटी से जल्दी आने का यही घाटा है, तो अब यहाँ फटाफट जितनी बार भेजेंगे जाना पड़ेगा। तो अब और सामान लेके आना है फिर दुकान से, यहाँ नहीं मिल रहा तो ऊपर की दुकान से लेके आता हूँ फटाफट। यहाँ पे मनोज दादी आने वाला है, तो उसका फ़ोन तो आ गया था, पता नहीं कहाँ रह गया, उसे भी ले जाता हूँ यार। तो सामान तो ले लिया मैंने जो जो लेना था, तो देखता हूँ कहाँ है, उसे भी ले जाता हूँ, फिर आना पड़ेगा नहीं तो लेने। इसे मिल चुका है और उसे लेके जा रहा हूँ। तो अब चलते हैं हम सीधे घर को, पहुँच चुके हम घर। सब हम करते हैं बापू को तैयार। ये वाली परस कहाँ है? परस खाने जरूरी चाहिए। यहाँ बन रहा है खाना, खाना बना रही है। इतने सारे कपड़े निकाले पर बाबू ने एक भी नहीं पहना, वही पहन के बैठ गई एक ही कमीज। इस नगर निगम की पर्ची भी कटा लिया, निगम वाले आए थे इसकी पर्ची कटा ली। खाली कपड़ों दांत नहीं है तो गई ना। अरे तो गाइस मैं भी फटाफट तैयार हो जाता हूँ क्योंकि मेहमान पहुँचने वाले हैं, तो मुझे पता नहीं है कौन है अभी तक मेहमान, तो आके ही देखेंगे। तो बाबू को तो तैयार कर दिया है, तैयार होने दिया। सनस्क्रीन भी नहीं लगाऊं, अपने नॉर्मल रूटीन के अराउंड नहीं करा है मैंने अभी। वीडियो बंद करो तुम पहले, तू तो फोन उठा। मैं भी हो चुका हूँ तैयार और कन्नू भी हो चुके हैं, तो सारे लोग तैयार हो चुके हैं, पर आ कौन रहा है मुझे अभी तक ये नहीं पता गाइस। अभी देखते हैं कौन आ रहा है गाइस ऐसा गेस्ट आज घर में, क्योंकि सबको तैयार होना पड़ रहा है, यहाँ तक कि बाबू को भी नहीं छोड़ा है गाइस। और ये यहाँ सफाई करने में लगा है, मतलब कब हम साफ कर रहा है। और एक हनुमान से लोग तैयार हो रहे हैं, मंजू लोग सब लोग। तो गाइस सब लोग आ चुके हैं और मैं यहाँ किचन में हूँ, तो अभी आने वाले हैं और आ रहे हैं, दो तीन लोग आ चुके हैं, दो तीन और आने वाले हैं। तो अभी दिखाता हूँ कौन कौन, दिखा तो नहीं पाऊँगा, मुझे खुद ही शर्म लगती है। और इन लोगों ने मेरी दाढ़ी भी साफ़ करवा दी, मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता दाढ़ी बनाना, पर साफ करवा दिया मुँह फटाफट में, अपने हाथ से बनाई फटाफट। तो फोटो वोटो खींच रहे हैं और अब खींच लिए, अब मेहमान अंदर बैठ चुके हैं और अभी और भी मेहमान आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। तो अंदर बैठ चुके हैं, वैसे लाए हैं मिठाई, बाबू भी यहाँ आ चुके हैं, तो अभी और जाएंगे वहीं बैठने पल्ली तरफ, मतलब दादी वहीं बैठे हैं। तो गाइस अब मानसी और मैं जा रहे हैं एक चक्कर कुछ सामान लेने, तो मामा भी आ चुके हैं वहाँ और मामा भी बैठ गए हैं अंदर मेहमान के साथ। तो गाइस सभी क्या लेने जा रहे हैं, सामान लेने जा रहे हैं कुछ, तो बुलेट लेके गए हैं उनकी, तो घूम के भी आते हैं एक चक्कर यहीं से। गाइस हमने सामान ले लिया, हम आए थे कहाँ, क्या नाम है, रामीला ग्राउंड साइड आए थे, तो यहाँ से कुछ दवाई लेनी थी वो मेडिकल स्टोर से, तो इसलिए यहाँ आए थे। कुछ सामान रखा था मतलब उसे लेके चले गए, तो ले लिया है। तो गाइस हम आए थे स्टेडियम के साइड ही, तो ईशु को भी ले जाते हैं यहाँ से, तो देखते हैं मिलती है तो। मिल चुकी है ईशु भी, तो फटाफट अब चलते हैं घर को।
आ चुके हैं घर गाइस। आप बनाते हैं पूरी फटाफट मेहमान के लिए। तो सब लोग पहली तरफ बैठे, अभी चार पांच आए नहीं हैं और भी आने वाले थे। बहुत बड़ा पोपट हो चुका है, आधे मेहमान आए हैं, तो आधे जो आने वाले थे वो रास्ते में ही उनके नहीं आ पाएंगे, गाड़ी वाड़ी कुछ ख़राब हो गया शायद, तो इसलिए अब इतना सारा खाना बनाया गया इसको बर्बाद जाने वाला है हमारा। मतलब हम खा ही लेंगे वैसे उसको, तो देखो इतने बड़े डेर में बनाया था कि इतना सारा है, तो अभी देखते हैं कितना बचता है इनको खिला के। तो पहले हम पूरी बना लेते हैं, यहाँ पर दो तीन दिन तक खाना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा खाना है। इतना देखो इतना सारा बना रहे हैं, क्या हुआ पानी लगा, पानी। अरे ऐसे कुछ नहीं हुआ है, कुत्ते देख तो लिया अगर इधर उधर कम से कम। हम लोग भी खा रहे हैं खाना, खा रहे हैं। हम भी बचे हैं, तो अभी बहुत सारा खाना बचा है। थोड़ी देर ड्यूटी को तो चार बज चुके हैं और अभी तक तो आधे लोग जा चुके हैं और अभी बुआ बुआ यही है अभी, तो ये लोग बाजार जा रहे हैं सामान लेने। मतलब ये सुबह कल का बर्थडे है, तो बर्थडे का सामान वो लेने जा रहे हैं, बर्थडे के लिए कपड़े बनाने जा रहे हैं यहीं पे धान मिल पे, और यहाँ बैठ रहे सब लोग। गाइस ये लोग जा रहे नहीं जा रहे पता नहीं, पर मैं तो ड्यूटी जाके आता हूँ, तो स्कूटी लेके जा रहा हूँ, अभी आ जाऊँगा। बाय बाय, फटाफट करके आते हैं ड्यूटी और फिर आपको मिलता है हम सीधे घर आके। ओके बाबा जी, बहकी सब से आ चुका हूँ मैं घर। ऐसे मेहमानों को पहुंचाने, मतलब दादी जा रही है पहुंचाने, तो हम ये अपने बर्थडे के लिए सामान वामान सब ला गए हैं और ये बाबू यहाँ बैठे हैं। उसके पहला ओके बाबा जी, आराम से ले जाना। तो गाइस फाइनली सारे मेहमान जा चुके हैं और यहाँ क्या लाए हैं मेरे लिए, देखो बेल्ट लाए हैं बेल्ट। अभी देखेंगे, पहले मैं कपड़े वपड़े चेंज कर लेता हूँ, जूते वूते उतार लेता हूँ। क्या लाए हैं मेरे लिए, आई है गाइस बेल्ट। मानसी को तो बुखार आ चुका है बहुत ज्यादा, तो मैं ही खिला देता हूँ सबको रोटी बना के फटाफट, तो बाबू को दे रहा हूँ फटाफट बनाते ही लेके आ रहा हूँ, तो फटाफट सबको खिला देता हूँ, फिर हम खाएंगे लास्ट में। और ये बर्तन दे रही है और कन्नू टीवी देख रही है, इससे भी आ चुका है बुखार, तो इसे भी खिला दी है मैंने घर रोटी, तो फटाफट मैं भी खा लेता हूँ। तो गाइस अब सोते हैं, सबने खा लिया, तो इसे बुखार आ चुका है, तो बिस्तर हमारा पहली तरफ लग चुका है गाइस, तो हम सब लोग यहाँ सोएंगे, मंजिल लोग यहीं सोएंगे और हम सब लोग यहाँ सोएंगे गाइस, तो बिस्तर लगाते हैं फटाफट और सोते हैं। तो गाइस आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल। तो आज के लिए इतने, ओके बाय बाय एंड गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।